आज का हमारा जो वचन है, विषय है, वो है बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, मनन करने के फायदे, है ना। आप मार्केट में जाते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई भी दुकानदार अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी बातें करता है, फायदे बताता है, इसके क्या फायदे हैं, इससे क्या होगा, इसको लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा, बहुत सारी बातें वो बताते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने जाएं। हालेलुया। जिस कंपनी की एजेंसी होती है, आप फोन भी लेने जाएं। एक बार ऐसा हुआ था मेरे पास कि मुझे मेट्रोला नहीं खरीदना था, मुझे कोई और कंपनी खरीदना था, पर मैं जहां गया था वो जो 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 कंपनी थी या जो जहां पर सेल हो रहा था, उन्होंने मेट्रोला का एजेंसी ले रखा हुआ था, तो मैं फोन कोई और खरीदने गया और सब कुछ घुमा फिरा कर उन्होंने मेट्रोला का मुझे फोन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब मोटो जी की बात नहीं कर रहा हूँ, हालेलुया। तो मैंने ये पाया कि उसमें बहुत फोनों में गोरिल्ला ग्लास होता है, अगर गिर जाए तो जल्दी नहीं टूटता है, पर वो बिल्कुल पास से गिर गया था, बिल्कुल मुझे लगता है 10-15 दिन हुए होंगे ऐसे कुछ फोन लिए और बिल्कुल पास से ऐसे गिर गया और उसका पूरा जो स्क्रीन खराब हो गया। तो हम समझते हैं हर चीज के लोग अपने अपने फायदे बताते हैं, बाइबल भी हमें मनन करने का फायदा बताती है। हालेलुया। हो सकता है दूसरे प्रोडक्ट के फायदे उतने ज्यादा अच्छे ना हो जितने वो बता रहे हैं, जितने वो गुण बता रहे हैं शायद उतने फायदेमंद ना हो, लेकिन जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है वो 100% सही है। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। लगभग दुनिया के सभी लोग मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लगभग दुनिया के सभी लोग मनन करते हैं, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी हो, जाने में या अनजाने में सब लोग क्या करते हैं, मनन करते हैं। उनको पता हो या ना हो फिर भी वो मनन करते रहते हैं, और कुछ अच्छी बातों पर मनन करते हैं तो कुछ बेकार की बातों पर भी मनन करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन पर, स्वर्गीय बातों पर, ऊंची बातों पर मनन करना चाहिए। हालेलुया। लोग कहते हैं बहुत चिंता होती है, पता नहीं बहुत सारा सर दर्द होता है, मुझे ये हो गया है, माइग्रेन हो गया है, रात को नींद नहीं आती है। उनको पता नहीं है कि उनके गलत मनन करने का ये नतीजा है, उनके गलत मनन करने का ये नतीजा है कि उनको नींद नहीं आती है। लोग नींद की गोली लेते हैं पर मनन करना नहीं छोड़ते, क्या नकारात्मक बातों पर, कमजोर बातों पर, बेकार की बातों पर वो मनन करना नहीं छोड़ते। अब ये सवाल होता है एक्चुअली मनन करते कैसे हैं, है ना, मनन है क्या, मनन है क्या। किसी भी बात को अब जब बार 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 सोचने लगते हैं तो आप उस बात पर क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। किसी भी बात को आप बार बार अपने माइंड में और क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, बार बार अपने माइंड में वही सीडी चलाते हैं, बार बार वही सीडी आप चलाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम यह होता है आपको पता ही नहीं है कि आपने मनन करना स्टार्ट कर दिया है। आप मनन कर रहे हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपके मन में बेकार की बातें चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कहते हैं माइग्रेन हो रहा है, नींद की गोली ली जा सकती है, शायद नींद की गोली ली जा सकती है, पर जो गलत मनन आप कर रहे हैं वो बेचैनी आपको छोड़कर नहीं जाने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं। कई लोग शुरू में थोड़ी गोली लेते हैं नींद की, फिर इसके बाद डोज बढ़ जाता है उसका,
फिर टेंशन और बढ़ा है तो थोड़ा और डोज बढ़ जाता है। लोग नींद की गोली ले लेके सोते हैं क्योंकि उनका टेंशन, उनकी उनके अंदर गलत मनन, चिंताओं का मनन इतना ज्यादा हो गया है कि वो गोलियां भी काम करना बंद कर देती हैं। डॉक्टर अपने टर्म में बहुत सारी बीमारियों का नाम बता देता है, पता नहीं इसका टर्म मुझे नहीं पता है, कौन सा फिलियो, कौन सा फिलिसिया, जो भी हो, ये हो जाता है। जवान बच्चों को अलग होता है, बुजुर्गों को अलग होता है, कामकाजी लोगों को अलग होता है, लेकिन सबको अलग प्रकार का टेंशन है। कोई जॉब को लेकर टेंशन कर रहा है, कोई परिवार को लेकर कर रहा है, कोई हेल्थ को लेकर कर रहा है, कोई बिजनेस को लेकर कर रहा है, कई प्रकार का टेंशन, चिंताएं जाने अनजाने में मनन का भाग बन जाती है और उनके जीवन को बेकार बनाने लगती है। हालेलुया। इसका मतलब आप भी मनन करते हैं पर शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि जिस बात को आप बार बार सोचने लगते हैं वो आपके सिस्टम में मेडिटेशन का काम करने लगता है। आपके सिस्टम में किसका काम करने लगता है? मेडिटेशन का काम करने लगता है। इसको जानने की जरूरत है। भजन संहिता 4:4, भजन संहिता उसका 4 चैप्टर 4 और उसका 4 पद, जल्दी से कोई पढ़ने में मदद करे। कांपते रहो और पाप मत करो। हाँ, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और क्या रहो, और क्या रहो। हालेलुया। पाप के लिए डरो, अपने अपने बिछौनों पर मेडिटेशन करो, मनन करो। मनन तब होता है जब आप शांत रहते। विचलित व्यक्ति कभी भी राइट मेडिटेशन नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनिए, आप कह रहे हैं हम भी मनन करते हैं, आप कहते हैं हम भी वचन पढ़ते हैं, आप कहते हैं हम भी प्रार्थना करते हैं, पर विचलित व्यक्ति कभी भी राइट मेडिटेशन नहीं कर सकता है। उसके लिए शांत मन होना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। आज मैं घर से जाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा अनहोना होने
होने वाला है। मन में लोग कई प्रकार की मेडिटेशन करते रहते हैं, गाड़ी चलाते चलाते मेडिटेशन करते रहते हैं, हाय आज तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, आज तो गलत फीलिंग हो रही है, कुछ होना जाए हो जाए, फिर आगे चले पता चला गाड़ी ही ठुक गई, कह रहे सोच ही रहा था हो जाएगा, अरे भाई सोच रहा था इसलिए हो गया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अचानक एक्सीडेंट हो रहा है, उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग ये सोच कर गाड़ी चलाते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, जो लोग सोच कर घर से निकलते हैं आज मैं काम पर जा रहा हूं लेकिन लगता है कि मेरा काम लगने वाला नहीं। तो जिस व्यक्ति से वो बात करते हैं क्योंकि उनके मन में ये बात बहुत बार चलती है, तो जिससे भी बात करते हैं वो व्यक्ति कहता है छोरी काम नहीं है, तो अपना मन कहता है देखो मैंने सोचा ही था ना कि ये व्यक्ति मना कर देगा। ये प्रॉब्लम है लोगों की, क्योंकि हमने पहले ही अपने मन में ठान लिया था, माइंड ने पहले एक्सेप्ट कर दिया था जॉब नहीं लगेगा, व्यक्ति मेरी बात नहीं मानेगा, और जब हम बात करने जाते हैं तो कमजोर बातें करते हैं, प्लीज ऐसा करिए ना मुझे बड़ी जरूरत है काम की, बोलेगा नहीं है काम, क्योंकि आपके विचार आपके शब्दों को प्रभावित कर रहे हैं। हालेलुया, क्या कर रहे हैं आपके विचार आपके शब्दों को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका मतलब जो आप सोच रहे हैं वो आप बोलने भी लगते हैं, क्या करने लगते हैं आप बोलने भी लगते हैं। नीति वचन उसका 14:30 पढ़ेंगे, शांत मन, नीति वचन उसका 14:30 पर, शांत मन तन का जीवन है परंतु मन के जलने से हड्डी भी जल जाती। तो शांत मन एक स्वस्थ जीवन है, हेल्दी बॉडी को बनाता है, समझ गए, शांत मन क्या करता है एक अच्छे बॉडी को हेल्दी बॉडी को बनाता है, लेकिन जिसका अंदर जलन होता है, सुन लीजिए वो लोग जो मन में कुढ़ते हैं, सुन लीजिए वो लोग जो अंदर इंदर दांत पीसते हैं, सुन लीजिए वो लोग जो दूसरे की प्रगति को उन्नति को देखकर जलन रखते हैं, अंदर ही अंदर क्या होता है हड्डियां क्या होने लगती है, हड्डियां क्या होने लगती है, हालेलुया। इसलिए दुश्मन दांत पीसते पीसते गल जाएगा और प्रभु के लोग महिमा करते करते बढ़ जाएंगे, हालेलुया। दांत पीस लो जितना पीसना है, क्रोध कर लो जितना करना है, हड्डी तो तुम्हारी गलने वाली है, हालेलुया। मैं तो प्रभु की महिमा करते हुए बढ़ते चले जाने वाला है। कहता है ये पीसफुल हार्ट लीड्स टू हेल्दी बॉडी, एक शांत मन शांत हृदय एक स्वस्थ शरीर की ओर अगुवाई करता है या एक स्वस्थ शरीर प्रदान करता है। हालेलुया, जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, दूसरे शब्दों में जो स्थिर है वचन में, जो स्थिर है अपने परमेश्वर में, उसका बॉडी भी स्वस्थ निरोग चंगा भला रहेगा। हालेलुया, नहीं कल परमेश्वर की बड़ी जोश से आराधना कर रहे थे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरे दिन अरे नहीं परमेश्वर कहाँ है, नहीं काम कर रहा, चौथे दिन नहीं परमेश्वर है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, तीन चार दिन बाद अरे लगता है परमेश्वर सुनता ही नहीं। ऐसे लोग अपने मन में स्थिर नहीं है परमेश्वर के प्रति, हालेलुया। या बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो स्क्रू थोड़ा हिंदी में कहते हैं ढीला है, थोड़ा टाइट कर देते तो सही चलते हैं, चलते चलते फुर फुर फिर थोड़ा ढीला हो जाता है, फिर पास्टर को टाइट करना पड़ता है,
फिर ढीला हो जाता है। ऐसा नहीं, बढ़िया नीट टाइट कर लो ताकि बार बार ढीला ना हो। हालेलुया। अगर आपको पता है कि यीशु ही परमेश्वर है, यदि आपको पता है कि वही जिंदा खुदा है, यदि आपको पता है कि वो उपाय करता है, यदि आपको पता है वो चंगा करता है, यदि आपको पता है वो आपके आपके साथ रहता है, तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। हालेलुया। हमें पता है कि मेरा पिता ये है, तो मुझे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि ये चॉकलेट देता है तो मेरा बाप बन गया, वो मुझे साइकिल खरीद के दे दिया तो बाप बन गया। अच्छा नहीं, हमें पता है कि यही मेरा बाप है, चॉकलेट दे या ना दे। हालेलुया। हमें पता है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो मुर्दों में से जी उठा, मेरे पापों का दाम चुका दिया, अपना लहू बहाया और वो मुर्दों में से जी उठा। मुझे पता है उसी मार खाने से हम चंगे हो गए। मुझे पता है कि वही जगत का उद्धार करता है, तो मुझे विचलित होने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मुझे घबराने की जरूरत है क्यों? नहीं, हाँ नहीं हुआ, हे नहीं हुआ, वो नहीं, पहले बार के किया था जल्दी हो गया था, अभी कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है प्रभु, है भी कि नहीं? अरे है भाई, तेरा मन कहीं सेट नहीं है। अब सेट मन कभी भी चीजों को सेट नहीं कर सकता। वो लोग प्रभु में ज्यादा बढ़ते हैं जिन्होंने पूरी रीति से भरोसा करके उसके पीछे पीछे चल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं ना लौटूंगा। हालेलुया। अगर मेरे साथ कोई ना आए तो भी मैं लौटने वाला नहीं। अगर ठान लिए ना तो प्रभु भी कहेगा मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, हर मुसीबत में, हर जरूरत में, हर चमत्कार में मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मन शांत है तो हेल्दी बॉडी मिलेगी आपको। अगर शांत मन नहीं है तो आपका बॉडी में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये वो, आज पेट दर्द तो कल कमर दर्द तो परसों सर दर्द, ऐसे ही होता है। यहां से निकला तो इधर घुस गया, इधर से घुसा तो यहां घुस गया, कह रहे हैं पता नहीं यहां ठीक हो जाता है यहां, क्योंकि आप स्थिर नहीं हो प्रभु में। यीशु मसीह आपके अंदर घुस जाए बस इतना काफी है। वो आपके अंदर वास करने लगे इतना काफी है बीमारियों को भागने में, इतना काफी है परेशानियों को दूर होने में, इतना काफी है कि यीशु को आप अपने हृदय में बसा लो। हालेलुया। और विचलित हो जाते हैं लोग, ये प्रॉब्लम है आज, ये प्रॉब्लम है मेरे प्रियो। जो कुछ हम मनन करते हैं, जो कुछ हम क्या करते हैं, जो कुछ हम क्या करते हैं, वो हमारे अंदर भर जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य किसी वस्तु के खाने से अशुद्ध नहीं होता है, भोजन के खाने से अशुद्ध नहीं होता है। वहां पर एक सवाल आया था कि तेरे चेले हाथ धोकर खाना नहीं खाते थे, यीशु ने कहा कि जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है, पर जो अंदर से बाहर आती है वो मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध करती है। हालेलुया। लेकिन मनन जो है, मेडिटेशन जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेडिटेट करते हो वचनों पर तो वो आपके अंदर सही बातों को भरता है, और जब सही बातें भर जाएंगे तो आपके जुबान से केवल अच्छी ही बातें निकलेंगी। हालेलुया। तो इसको भरना पड़ेगा, सही बातों को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अगर आपने भरा तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आप पाओगे परमेश्वर के बड़ी आशीषों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें इन सब चीजों को करने के लिए क्या जरूरत है, हम भी चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु के समान बन जाएं। रोमियो 8:29 पर पढ़ेंगे, रोमियो
कि पत्री उसका 8:29 जल्दी से जी, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वो बहुत भाइयों में पहला था। हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने पहले से जान लिया है उसको इस बात के लिए ठहराया भी है कि हम पुत्र की स्वरूप में हो जाएं। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि जो आदम ने पोजीशन खोया है, जो आदम ने पाप के कारण अपने स्थान को खोया है, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में उस चीज को, उस स्थान को प्राप्त कर लें। हम उसके स्वरूप में जो बनाए गए थे, स्वरूप बिगड़ गया था, परमेश्वर चाहता है आज हम उसी के स्वरूप में हो जाए। और उसका एक तरीका है मेडिटेशन, जिसके कारण आप परमेश्वर की बातों में वैसे बनते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोले सु मसीह के। बाइबल कहती है जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो है। हालेलुया, अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा है, और जैसे सोचते रहता है वैसा बन जाता है। जैसा सोचता है वैसा मनुष्य है, और जैसे सोचते रहता है वैसा वो बन जाता है। निरंतर आप जो भी बातों को सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, धीरे 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 वो मेडिटेशन आप करते रहते हैं और वैसा ही आप बनना प्रारंभ कर। आपको पता भी नहीं चलता कि आप गलत कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कई बार कि आप अच्छा भी कर रहे हैं, पर बार बार सोचते जा रहे हैं, बार बार सोचते जा रहे हैं, तो जो आप सोचते जा रहे हैं एक्चुअली आप मनन करते जा रहे हैं। हालेलुया, कैसे इस बात को समझेंगे? आपने जानवरों को देखा है, जानवर मतलब गाय बैल भैंस पहले चारा खा लेता है, जितना मिलेगा वो क्या करेगा, खा लेता है। जब चारा वो खा लेता है तो एक एकांत जगह जाता है जहां पर वो आराम से बैठ जाए, जहां पर मारने वाले ना लोग ना आए, जहां पर डिस्टर्ब करने वाले लोग ना आए, कहीं छाए में बैठ जाएगा, कहीं और एकांत जगह बैठ जाएगा, फिर उन भोजन को निकाल कर वो जुगाली करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, उसको जुगाली भी बोलते हैं, उसको पागुर भी बोलते हैं, कि गांव में ऐसे पागुर बोलते हैं कि वो पागुर कर रहा है, जुगाली भी उसको बोलते हैं। वो भोजन को अंदर से बाहर निकालता है और भोजन को फिर निकाल कर छोटे 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 टुकड़ों में उसे चबा चबा कर छोटा करके फिर वो अंदर निकालता। हालेलुया, बोले सु मसीह के। सोचिए मनन कुछ ऐसा ही है, शांत जगह में, एकांत जगह में बैठ जाते हैं और फिर हम परमेश्वर की बातों में मनन करने लगते हैं, परमेश्वर के वायदों को मनन करने लगते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मनन करने लगते हैं, परमेश्वर की चेतावनियों पर मनन करने लगते हैं, परमेश्वर के करेक्शन पर मनन करने लगते हैं कि क्या मना किया है, क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। वचनों को बार 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 जब हम सोचने लगते हैं वो आपके अंदर वचन। हालेलुया, क्या करता है, पशु छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको अंदर ले जाता है, फिर वो डाइजेस्ट होते हैं, फिर उसके अंदर के जो तत्व है, जो जो हमारे शरीर में, हमारे अतड़ियों में अब्जर्व हो जाता है, सोख लेता है, पूरे बॉडी को ताकत देता है, बल प्रदान करता है। जब आप मनन करते हैं परमेश्वर के वचन को, बार बार मनन करते हैं, वो आपके सोल में, आपके आत्मा में, आपके अंदर समा जाता है और वही आपके आत्मा को बुष्ट करने लगता है, आपके आत्मा को बल देने लगता है, आपके आत्मा को सामर्थ्य देने लगता है। इसलिए मेडिटेशन हमारे आत्मा के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
हालेलुया हालेलुया। एक दिन में स्टडी के अनुसार एक दिन में मनुष्य के अंदर विचार 6600 से 6200 से लेकर 10,000 विचार एक दिन में हमारे अंदर आते जाते हैं। कितने विचार? 6200 से लेकर 10,000 विचार डेली मनुष्य के अंदर आते जाते हैं। नॉर्मली 6000 विचार तो आते ही है, पर इससे ज्यादा आने लगता है। या तो वो वास्तव में परमेश्वर में बहुत ज्यादा लीन है इसलिए इतना आ रहे हैं, या तो वो बहुत चिंता कर रहा है इसलिए। और जो ज्यादा चिंता करता है उसके अंदर बहुत सारे खुराफाती दिमाग विचार आने लगते हैं। ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहां चलो जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सारे विचार उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा बार बार पांच बार पांच बार पांच बार आने लगे। या फिर परमेश्वर में परमेश्वर के वचन पर आप बार बार मनन कर रहे हैं तो हो सकता है आपके वो विचार बहुत ज्यादा रिपीट हो। हालेलुया हालेलुया। आप जरा सोच सकते हैं विचार कितने आ रहे हैं। मान लीजिए 6000 विचार आ रहे हैं आपके अंदर, तो 6000 विचारों में गारंटी नहीं है कि 6000 के 6000 विचार सही आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? 6000 अगर विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो गारंटी नहीं है कि वो सारे 6000 विचार अच्छे हैं। अब यहां पर पता चलता है कि आपके विचार सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं। अगर एवरेज 60% से ऊपर विचार गलत आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शैतान से मिसलीड हो रहे हैं। या 80% गलत आ रहे हैं, 20% सही आते हैं, या 90% गलत आ रहे हैं, 10% सही आ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अटैक के अंडर में हैं। शैतान अटैक करने की कोशिश कर रहा है, शैतान आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, शैतान आपके मन को भरमाने की कोशिश कर रहा है, शैतान आपको अलग रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो आप अपने आप को ही परख लोगे कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप जरा 10 मिनट रुक जाइए, आपको समझ में आएगा। ये 1 घंटा आप परख लीजिए कि कहां कहां विचार चलते हैं, उससे आप जान जाएंगे कि आप कितने अच्छे विचारों के शिकार हैं और कितने गलत विचारों के शिकार हैं। एक दिन में अगर 6000 विचार आते हैं, हालेलुया, तो आप सोच लीजिए महीनों में कितने, एक महीने में कितने हजार विचार आ रहे हैं। हालेलुया, 1,80,000 विचार आ रहे हैं। आप बताइए उसमें से 1,00,000 विचार अगर गलत निकले तो वो आपके लाइफ के लिए कितना डेंजरस है। हालेलुया। हम तो सोचते ही नहीं है, हम तो कहते हैं हम सोचते ही नहीं है, बस विचार आते जाते हैं। हालेलुया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस खाली पीली पुलाव पका रहे हैं। विचारों, तब एक बात मैंने बोला था, किसी ने इस प्रकार से लिखा था, अपने विचारों की रक्षा करो क्योंकि वो शब्द बनते हैं। है ना, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अपने विचारों की रक्षा करो क्योंकि वो शब्द बनते हैं। अब शब्द बन ही गए तो उसकी रक्षा करो, नहीं तो वो कार्य बन जाते हैं। अपने विचारों की रक्षा करो क्योंकि वो शब्द बनते हैं। अब अपने शब्दों की रक्षा करो, नहीं तो वो कार्य बन जाएंगे। शब्दों की रक्षा करो क्योंकि वो कार्य बनते हैं। हालेलुया। इसका मतलब पहले हम सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, फिर इसके बाद उसको बोलने लगते हैं। इसका मतलब जो कोई बोलता है ना, वो मुंहफट हो चाहे कोई फट हो, चाहे मुंहफट हो, हाले कुछ भी हो, अगर वो बोलता है इसका मतलब उसके अंदर विचार है, तभी वो बोल रहा है, अपने आप नहीं बोल सकता। हालेलुया
कई लोग बोलते हैं ना, मैं जाता हूँ भैया मैं तो बिल्कुल मुफ्त हूँ, जो मन में आता है बोल देता हूँ। बोल देते हो इसका मतलब जो अंदर है वही आए बोलोगे, बाहर अपने आप बनाकर नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो मैं कहूंगा कि मुफ्त मत बनिए, प्रभु के वचन को बोलने वाला बनिए। हालेलुया हालेलुया। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो कि परमेश्वर का क्या कर रहा है, वचन बोल रहा है। ऐसे बोले जो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड हो, ऐसे बोले जो परमेश्वर का ईश्वरीय बातें हो। बेकार की बातें मुफ्त बनकर ना बोलते जाएं, क्योंकि आप जो सोच रहे थे वही आप क्या करना चालू कर दिए, बोलना चालू कर दिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 39 का 3 जल्दी से पढ़ेंगे। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। ओ मेरा हृदय क्या कर रहा था, अंदर ही अंदर जल रहा था। क्या कर रहा था, जल रहा था। ओहो मेरा हृदय, दोनों गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। यीशु ने कहा, क्या कहा, तेरे भवन की धुन, तेरे घर की धुन मुझे क्या करती है, खाई जाती है। हाँ ये अलग भी हो सकता है, गलत धुन भी हो सकता है। हालेलुया। बस धुन में कई लोग चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। यीशु को जहाँ पता है कि मैं अपने परमेश्वर के लिए आया हूँ, कहता तेरे भवन की धुन, तेरे घर की धुन मुझे कहा। यहाँ पर जो बात पढ़ रहा है उसको पढ़िए। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। ओह हालेलुया। अंदर ही अंदर भड़का जा रहा है। रुक मैं बताऊंगा उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। उस व्यक्ति की हिम्मत तो देखो, मेरे बारे में ऐसी बातें कह दिया। मैं देखूंगा सुबह होने दो, रात में बिछोने पर कर रहे हैं ना, सुबह देखेंगे मिलेगा बता देंगे। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा परिचय का वो है, मैं उसको बोलूंगा, ऐसा करवा दूंगा। अंदर ही अंदर बातें चल रही है, फिर बातें भड़क उठी है। हालेलुया। अभी तो मैंने बोला भी नहीं है, अभी भड़क रही है अंदर अंदर। क्या हो रही है, भड़क रही है यार। जब फूटेगा वो क्या होगा, बारूद फूटेगा। क्या कह रहा है आगे पढ़िए, क्या कह रहा है। अंदर ही अंदर पहले आग भड़क रही थी, भड़क रही थी, भड़क रही थी, मतलब मैं मनन कर रहा था। क्या कर रहा था, मैं मेडिटेट कर रहा था। अंदर ही अंदर देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कैसी हिम्मत हुई, जानते नहीं हो, जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भड़का रहा हूँ, भड़का भड़का भड़का। और जैसे सुबह उठेगा तो मैं कह रहा हूँ देख लूंगा, चलो चलते हैं। हालेलुया। अपने भाई को पकड़ेगा, बहन को पकड़ेगा, पड़ोसी को पकड़ेगा, रिश्तेदार, चलो उठो आज देख लेंगे उसको। मेरे अंदर की आग अब मुंह में भड़क उठी। हालेलुया। अब मुंह में भड़क उठी है, अगर नहीं संभले तो वो हाथ में भी भड़क उठेगी, मतलब वो काम करना चालू। ऐसा ही होता है, कहते हम तो मना नहीं करते जी, कर रहे हो, रात में भी कर रहे हो, चलते फिरते भी कर रहे हो, गाड़ी चलाते कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली आप मनन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। कोई भी चीज, कोई भी बात, जब आप बार बार रिपीट करते हैं वो मनन है। कोई भी बात जो आप बड़े गहराई से आप सोचते हैं वो मनन है। मैंने बताया था कि कुछ को पता है कि वो मनन करते हैं, और कुछ को पता भी नहीं है कि वो मनन करते भी हैं कि है मेरे बच्चे का क्या होगा, है मेरे पति का क्या होगा, है मेरे भविष्य का क्या होगा। भैया मैं केवल सोचती हूँ बस, और कुछ नहीं है। आप सोचते नहीं हो, आप मनन करते हो। हालेलुया। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, और प्रभु के लोग भी इसके शिकार है। प्रार्थना में भी है फिर भी वो उधर चल रहा है, मनन कहीं और चल रहा है, मन कहीं और लगा हुआ है। भवन में बैठे हैं फिर भी वो उधर कुछ खाली
आदमी पुलाव पक रहा है, इसका मतलब आप मनन कर रहे हो। हालेलुया। जो सोचता सोचता भड़का 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 और फिर मुंह पर भी क्या हो जाता है, तो पहले विचारों में आता है, विचारों में आता है, विचारों में आता है, विचारों में आता है, फिर वो अंदर आग भड़कने लगती है, फिर धीरे 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 वो मुंह पर भी आग निकलना चालू, फिर जब मुंह पर बार बार निकलने लगती है तो फिर हाथ से भी बजना चालू छाले हो जाएगा। हालेलुया। पहले कहता है अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वो कार्य बन जाते हैं। अब कार्य तो आपने बना ही दिया है, आप उसको भी कंट्रोल करो, नहीं तो वो आपकी आदत, कहते तो मेरी आदत है, मैं तो बस पिटाई कर देता हूँ, छोड़ता नहीं। इसका मतलब आपने पहले सोचा था, फिर इसके बाद उसको बोलना चालू कर दिया, फिर इसके बाद आपने पिटाई करना चालू कर दिया, फिर जब मन आता है पिटाई करना चालू कर दिया, फिर जब मन में आता है तो वो आपकी क्या बन गई, आदत बन गई। मारना नहीं चाहता हूं पर मार ही देता हूं। हालेलुया। आदत बन जाती है। कह रहा है आदत को सुधार लो, नहीं तो वो आपका चरित्र बन जाए। फिर कहेंगे ये आदमी ना बड़ा बकवादी है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आदत मतलब चरित्र, मतलब जिंदगी का हिस्सा, चरित्र मतलब जिंदगी का। कुछ लोग बैठ बैठ के बीमार हूं, मर सकता हूं, हाय मेरी बीवी का क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, प्रभु बचा भी पाएगा, पता नहीं वो करना ना करे तो क्या होगा। तो सदरक मेशक जैसे करो ना, अगर बचाएगा तो भी ठीक है, नहीं बचाएगा तो भी मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा मैं जरूर बचाऊंगा तुझे। हालेलुया। सदरक मेशक तुमने इस प्रकार की बातें कह दे कि नहीं भी बचाएगा तो भी मैं उस तरह से गलत काम नहीं करूंगा, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। ये होता है अपना फेथ, ये होता है विश्वास, जिसके कारण परमेश्वर बचा लेता है। नहीं नहीं लगता है, होगा नहीं, अच्छा चल राजा तूने कहा है मैं वही झुक जाता हूँ, कौन मरने जाए। ऐसे ही तो विश्वास ही चल रहे, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कौन इतना दुख उठाए। प्रभु कह रहा मैं फिर तेरे लिए दुख नहीं उठाऊंगा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। हमारा हृदय परमेश्वर का कॉन्टेक्ट पॉइंट है, लिख लीजिए, हार्ट इज कॉन्टेक्ट पॉइंट विद गॉड। हृदय परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने का पॉइंट है, बिंदु है। अगर आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आपका हार्ट प्योर होना बहुत, हृदय साफ होना बहुत, हृदय में परमेश्वर भरना बहुत है ना। कहते हैं बहुत बहुत कहते हैं ना कि मुंह में कुछ बोल रहा है और अंदर कुछ और चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना, बोलते हैं, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए आप समझ रहे हो। लोग कहते हैं कि मुंह में कुछ और बगल में क्या लिया है, छुरी लेकर बैठा है, तो इसका मतलब अंदर गड़बड़ भी हो सकता है और बाहर से धन्यवाद भी कर सकता है मनुष्य। अंदर मनन चल रहा है कि ये 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 ये, बाहर कह रहा है सब ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर कह रहा है नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, बाहर कह रहे नहीं बचेंगे बचेंगे, मतलब अंदर का मेडिटेशन गलत चल रहा है और बाहर आप कुछ बोल रहे हो। आपका अंदर भी मेडिटेशन बहुत सही होना चाहिए, मैं निश्चय न मरूंगा। हालेलुया, मैं निश्चय न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के बड़े कामों का, आश्चर्य कर्मों का क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि केवल इधर से नहीं निकल रहा है, अब इधर से भी चल रहा है, यार बेटा मरने वाला नहीं हो, चाहे तो कुछ भी सोचे।
हालेलुया। शैतान तू कुछ भी सोच ले कर ले, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का काम करने के लिए अभी तैयार हूँ, अभी भी बड़े काम बाकी है जो परमेश्वर मुझसे करवाएगा। हृदय हार्ट आपका परमेश्वर के साथ कॉन्टेक्ट पॉइंट है, माउथ कई बार नहीं है, कई बार माउथ मुंह नहीं है, समझ गए कि नहीं। लड्डू खा के आ रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया हम तो बिल्कुल बर्फी खा के आ रहे हैं, हो सकता है अंदर बता रहा है मन की लड्डू खाए बेटा तुमने, बाहर कह रहे हैं हम बर्फी खाए थे, हो सकता है ऐसे कि अंदर कुछ और पता हो आपको, बाहर कुछ और बोल रहे हो। भाई सब कुछ ठीक है, अरे बहुत मस्त है कि अंदर कुछ और चल रहा है बाहर के मस्त है। हो सकता है कि आपके हृदय में कुछ और चलता हो और मुंह से आप हो सकता है गलत बोल रहे हो, आपको मुंह से जो बोल रहे हो ना हृदय में बसा लो, आपके काम 100% हो जाएंगे। अगर आप कह रहे हो मैं निश्चय नहीं मरूंगा, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं पर प्रेम साम संयम की आत्मा दी है, अगर ये आपने बार बार मनन कर लिया है, बार बार मनन कर लिया है और ये आपके हृदय में कॉन्टेक्ट पॉइंट बन गया है, जिस घड़ी आप बोलोगे मैं क्या बोलोगे, परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दिया है, तो केवल इधर से नहीं बोलेगा, इधर से भी बोलेगा। हालेलुया। बहुत सिंपल और आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हो तो मैं केवल ऐसे नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो आप करते हो। हालेलुया। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि जो बात आप बार 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 रिपीट करते हो वो आपके हृदय में एक हिस्सा बन जाता है, आपके हृदय का एक पार्ट बन जाता है। आपने कभी देखा है कितने लोग जिम जाते हैं यहाँ पे, मैं बहुत सोचता हूँ जिम जाऊंगा, जा नहीं पाता, टाइम नहीं मिलता। हालेलुया। चलो पहले हम कभी जाते थे करते थे, अलग बात है। तो आपने क्या देखा, अगर एक बंदा कह रहा है कि मुझे ना केवल इतना ही बॉडी बनाना है इतना ही, तो इधर का एक्सरसाइज कर रहा है तो इधर का नहीं बनेगा। किसी ने कहा कि मुझे बस ये अपने डोले छोले बनाना है तो बस डोले छोले ही बना रहा है तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब उसने इस पर बड़ा समय दिया, ध्यान से सुने, प्रैक्टिकल बता रहा हूं, उसने इस पर बड़ा समय दिया इसके लिए उसका बाइसेप ट्राइसेप बन रहा है, ठीक है। चूंकि उसने पेट पे ध्यान नहीं दिया तो पेट वैसा का वैसा है। जिस चीज पर आप ज्यादा समय व्यतीत करोगे वो आपके शरीर में एड कर देगा कुछ चीजों को, है कि नहीं, आपके मसल एड हो गए कि नहीं, हो जाते हैं नहीं, क्योंकि एड हो रहा है, वो उस पर समय दे रहा है कुछ तो, मतलब बोलना नहीं चाहिए, सॉरी माफ कीजिए, कुछ तो कुटुर 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 खाने में लगे हैं तो उनकी बॉडी बढ़ रही है, ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बकरी के जैसे खाते रहते हैं इसलिए ध्यान नहीं देते तो बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। मैंने एक बार बताया था एक भाई का, दिनेश भाई जानते हैं, एक भाई का लड़का बिल्कुल ऐसे हो गया, कहाँ से खाते हैं, ले आओ बाहर से केवल चिकन बिरयानी खाएंगे, कभी घर में ना बनाए, वाइफ भी ऐसे, पति भी ऐसे, बेटी भी ऐसे, बेटा भी ऐसे, सब फूल गए एकदम बिल्कुल। सुनिए आपको ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो कुछ गलत भी ग्रो होने लगेगा। अगर आपने गलत मेडिटेशन करने लगे तो अंदर गलत चीजें ग्रो होने लगेंगी। अगर आप परमेश्वर के वचन को, उसकी चेतावनियों को, उसके प्रतिज्ञाओं को, उसकी बातों को आप अंदर मनन करते हो तो आपके हृदय में वो जगह बनाएंगे। क्या करेंगे? आपने कभी देखा कि किसी बच्चे को अगर बचपन से कहा जाए अरे मूर्ख, अगर किसी बच्चे को बचपन से कह दिया जाए पागल और वो बड़ा हो गया, अगर किसी ने गलती से बाहर वाला पागल बोल दे फिर देखना वो हत्या भी कर सकता है, क्योंकि पागल वर्ड उसके हृदय का कॉन्टेक्ट पॉइंट है। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात, उसको और कुछ बोल दो नहीं गुस्सा करेगा, जैसे ही
क्योंकि अब उसके हृदय का ये पागलवाद एक हिस्सा बन गया है, उसके क्रोध का एक जरिया बन गया है। बाकी सब बातों में अच्छे से बात करेगा। अगर वो वर्ड किसी ने बोल दिया तो आप देखना इमीडिएटली भड़क जाएगा। आप लोगों को परख कर देखना कि जो व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है वो शब्द बोलते ही वो आपके ऊपर इतना जोर से चिल्लाएगा या दूसरे के ऊपर जोर से चिल्लाएगा, आप पकड़ लेना कि वो उसके हृदय में एक हिस्सा बन गया। हालेलुया। एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है मनन करने के कारण, पर जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, मैं मनन कर रहा हूं यीशु, क्या मनन कर रहा हूं मैं यीशु मनन करने का मतलब उसके पूरे चरित्र, उसके पूरे काम, उसके सारी चीजों को मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यीशु में सारी चीज समाहित है। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु नाम का बात नहीं है, आप यीशु बोलने का मतलब वो कौन है, क्या है, सब चीजें आप उसमें समाहित है, एक नाम में। एक नाम में एक व्यक्ति का चरित्र भी समाहित है। जब आपको बोला जाएगा फलाने व्यक्ति अगर अपने देश के प्रधानमंत्री को बनेंगे, तो आपके मन में जो पिक्चर है उनके बारे में केवल प्रधानमंत्री बोलते हैं, तुरंत आपके मन में सारी बातें आएंगी। हालेलुया। अगर बोला जाए केजरीवाल, तो आप उसके प्रति जो मन में धरा है केवल केजरीवाल बोलने से वो सब बातें आ जाएंगी। अच्छा, उन्होंने मेरा आधार कार्ड बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, बिजली फ्री करवा दिया, पानी करवा दिया, सब आ जाएगा। जो आपने कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाया है, एक व्यक्ति का नाम लेते ही उसके चरित्र का सारा हिस्ट्री आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। तभी ना जिसे हम प्यार करते हैं और उसके नाम के बारे में कोई गंदा अगर कमेंट कर दे तो फिर देखा कैसा झगड़ा हो जाता है कि नहीं? आपने कभी ऐसा देखा? तुम मेरे भाई के बारे में नहीं बात करना, तुम मेरी बहन के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। उसका नाम बोलने मात्र से आप भड़क जाओगे, क्यों? वो आपके हृदय में कॉन्टेक्ट बना लिया है, एक हिस्सा बना लिया है। हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर के वचन को, अगर आप यीशु के नाम का ही मनन कर रहे हैं, तो जिस घड़ी आप इसके आदि बन जाते हैं, जब आप यीशु केवल बोलते हो तो आपको बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप केवल यीशु बोलते हो तो काम होना चालू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सी बात है भाई, पर पता ही नहीं है लोगों को क्या करें। एक आपका मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन, परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर सकता है आपको। मतलब जैसे ही कोई बोलेगा यीशु, तुरंत आपके कान खड़े हो जाएंगे। जैसे ही कोई बोलेगा यीशु, आपका हृदय तुरंत काम करने लगेगा उस बात के प्रति, क्योंकि वो आपके हृदय में बस चुका है। हालेलुया। आप मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कोई दुश्मन है आपका और रोज उसके बारे में आप कुढ़ते रहते हैं। अब रास्ते में आप जा रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, रास्ते में जा रहे हैं और उस दुश्मन का जो नाम है किसी और का भी नाम है इधर, तो आपने उसको नहीं देखा और किसी ने कहा इधर आओ, तुरंत आपका हार्ट ना उसके बारे में चला जाएगा। किसके बारे में? जो आपका दुश्मन है, इवन दो उस नाम के कारण। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? होता है ना सर? ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है कि जिससे मैं नफरत करता हूं उसी नाम का कोई और व्यक्ति का नाम मात्र लिया जाए तो वो 100% उस व्यक्ति का सारा हिस्ट्री मेरे अंदर आ गया। उसने मेरा ये नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे छल किया। अरे छोड़ो यार, कोई और व्यक्ति था, पर आ तो गया ना, तुरंत इमीडिएटली आपके हृदय में आ जाएगा। हृदय परमेश्वर के साथ मिलने का कॉन्टेक्ट पॉइंट है।
भजन 19 के 14 में, भजन 19 के 14 में मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर। सुनिए, मेरे मुख के शब्द एंड मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट, मेरे मुख के शब्द और मेरे हृदय का, यहाँ पर जो तीन शब्द, दो तीन शब्द ध्यान रखिए ताकि मेडिटेशन वर्ड को आप बाइबल में सही से समझ पाएंगे। नंबर एक, ध्यान, ध्यान करना मतलब मेडिटेशन। स्मरण, स्मरण शब्द भी इस्तेमाल किया गया है मेडिटेशन के लिए। ध्यान करना, स्मरण करना, मनन करना, बाइबल में ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मेडिटेशन के लिए, ठीक है ना। तो जब मैं मेरे मुख के शब्द और हृदय का मेडिटेशन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, इसका मतलब जो मैं मेडिटेट करता हूं उसको तू एक्सेप्ट कर। हालेलुया। मैं मेडिटेट ये कर रहा हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं और मैं बोल रहा हूं कि यीशु के मार खाने से मैं क्या हो गया हूं, इसका मतलब आपका हृदय कनेक्ट हो गया है और आपका मुंह कन्फेस कर रहा है तो सच्चाई है, वो काम होना है। हालेलुया। इसलिए उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और अंदर से अंगीकार करने से थोड़ी है, इधर विश्वास करने से है। दोनों बात चल रही है, ध्यान से सुनिएगा। नहीं, यीशु उद्धार करता है, यीशु उद्धार करता है, इधर तो कुछ और गाने चल रहा है। हालेलुया। इधर कह रहे यीशु उद्धार करता है, यीशु उद्धार करता है, यीशु उद्धार करता, उधर पता चल रहा है नहीं ठीक हो सकते, बीमार हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इधर कह रहे यीशु मसीह उद्धार करता। आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट हृदय है, हृदय में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, प्रॉब्लम है। आप प्रार्थना तो कर रहे हो पर कनेक्ट नहीं हो रहे हो ना। मैंने बताया था आप फोन पर बात कर रहे हैं पर नेटवर्क उड़ चुका है, समझ गए कि नहीं। सुनिए जी, आज ना सब्जी लेकर आना है, आज ये भी लाना है, राशन भी लाना है, वो भी लाना है। उधर पति कह रहा है हेलो हेलो हेलो, अच्छा तुम ये भी ले आना, वो भी ले आना, ऐसा कर देना, वो कर देना, ठीक है ना, आप कर देना, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, मसाले वसाले बना के रख रही हूँ। पति घर खाली हाथ आ रहा है, बस लड्डू लेकर आ गया। पत्नी भड़क गई, मैंने आपको बोला था ना सारी बातें लाने के लिए, आप क्यों नहीं लाए। भाई कब, महाराज तुमने कब बोला, मैंने फोन किया था आपको। बोले वो तो फोन किया था, वो तो आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, वो तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था, कूं कहा की कहा ऐसे कर रहा था बस। आप कर रही हो, मैं तो सोच रही थी कि आप सुन रहे हो। हालेलुया। इसका मतलब आप मुंह चला रहे हो, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, अंदर कुछ और कर रहा है, कनेक्शन ही कुछ और गया, कहीं और जा रहा है वो। सब तो पूरब जा रहे हैं तो हार्ट पश्चिम को जा रहा है, इसका मतलब आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके बोलने में भी कुछ नहीं होने वाला। मुंह में पावर है अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं तो। हालेलुया। पर इसमें पावर खत्म हो जाता है जब कनेक्शन खत्म हो जाता है। परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है तो आप बोलो ना यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकलो निकलो। शैतान कहेगा बोलते रहे, वो तेरे पड़ोसी का नाम है कि नहीं है। कितने लोग जानते हैं बहुत लोगों का नाम यीशु रहता है आपके गली में, कौन बोला मेरे गली में, ये चिल्ला रही है यीशु के नाम से, कह रहे वो गली वाले चिल्ला चिल्ला ले, वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। लवली तो चिल्ला ले, कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो पड़ोसी को चिल्ला रही है तू, है ना। कुछ लोग आए और दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करने लगे प्रेरितों के काम में,
जिस नाम से पौलुस निकालता है यीशु के नाम से ले लो। दुष्ट आत्मा कह रही है अच्छा पौलुस को भी मैं जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ और तेरा कनेक्शन किधर है, कहाँ कनेक्शन है तेरा? ये एग्जांपल है, हकीकत का एग्जांपल है। शैतान ने उसके कपड़े फाड़े और नंगा भगा दिया। भगाया था कि नहीं? हालेलुया। ये किसको हो सकता है जो मुंह से केवल बोल रहा है पर हृदय से कहीं और कनेक्ट है? उधर शैतान से कनेक्शन है पर हमें पता चल गया कि यीशु काम करता है। बोले कुछ नहीं इधर भी कर दो यीशु के नाम से। यीशु तुझे पता है उधर उधर तुम रात रात को बैठ के शमशान घाट पर वो करते रहता है और इधर यीशु यीशु चिल्ला रहा है। हालेलुया। समझ लीजिए कि हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा प्रभु के लोग हो सकते हैं कि मुंह से कुछ बोल रहे हैं पर इधर टावर उड़ चुका है। इधर टावर ना कहीं और पहुंच गया है, इधर जियो का लगाया था ना तो उधर और कहीं और चला गया है, तो बीच में किसी और की भी आवाज आ रही है। आपने कभी जियो के शुरू में टावर में देखे होंगे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था? हमने फोन चालू किया और फोन लगा भी नहीं है और कोई बात कर रहा है, उधर लड़का लड़की बात कर रहा है, पति पत्नी बात कर, हम सुनाई दे रहा है, हम कह रहे हेलो और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ था शुरू में। तो चीजों को जरा समझिए कि क्या आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट सही है या केवल आप मुंह से कुछ बात कर रहे हैं और अंदर कहीं और जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो सुधर जाइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। टाइम बहुत हो गया है लेकिन सब्जेक्ट लंबा है, दूसरा पार्ट मैं आपको अगली बार बता दूंगा कैसे कनेक्ट होना है, कब होना है, कैसे हो सकते हैं, क्या करने से हो सकते हैं, इसके बारे में हम अगली बार देखेंगे क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट होने के कारण टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट। Thank you, Jesus. We love you, Lord Jesus. We worship you, your holy name, Lord Jesus. प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज जो वचन मेरे जीवन में बोया गया है वो फल लाए। प्रार्थना कीजिए अपने अपने लिए, प्रार्थना कीजिए क्योंकि एक सही मनन, राइट मेडिटेशन आपके जीवन को बदल सकता है। राइट मेडिटेशन आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। राइट कनेक्शन विद गॉड आपके लाइफ को कंप्लीटली ब्लेस कर सकता है। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू फादर गॉड।